हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एसएससी दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2020 से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाली हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एसएससी दिल्ली पुलिस की ये वैकेंसी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए है। एसएससी दिल्ली पुलिस के इस फॉर्म का आवेदन 1 अगस्त 2020 से शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट डेट इसकी है 7 सितंबर 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की डेट, लास्ट डेट है आपकी 9 सितंबर 2020। ऑफलाइन आप फीस पेमेंट कर सकते हैं 14 सितंबर 2020 तक। और बात करें इस पोस्ट के लिए, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट की, तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका हो सकता है 27 नवंबर 2020 से लेकर 14 दिसंबर 2020 तक। अब चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, तो कौन कौन से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, यानी उनकी क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास किया हुआ कोई भी कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकता है। और मेल कैंडिडेट के लिए ये कंपलसरी है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपकी है, मिनिमम एज है आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। और ये आपका मिनिमम एज कब तक से काउंट होगा, 1 जुलाई 2020 तक आप मिनिमम 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम 25 साल के होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, तो आपके कितने पोस्ट हैं, किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं। कांस्टेबल मेल की बात करें तो इसमें आपके जनरल में 1,868 हैं, वहीं ईडब्ल्यूएस में 381 पोस्ट हैं। ओबीसी की बात करें तो 736 पोस्ट हैं और एससी की बात करें तो 709 पोस्ट हैं, वहीं एसटी में आपके 208 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट है आपके मेल कांस्टेबल के लिए 3,902 पोस्ट हैं। कांस्टेबल फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 933 जनरल में है वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में आपकी 202 वैकेंसी है, ओबीसी में 387 है, एससी में 328, एसटी में 94 और टोटल आपका अगर मिलाएं तो 1,944 वैकेंसी आपकी फीमेल कांस्टेबल के लिए है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके रिलेटेड एग्ज़ाम की, तो इस एग्ज़ाम में आपका पैटर्न क्या होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होने वाला है आपका इसका, और इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर होगा जो कि 100 क्वेश्चंस का होगा, 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका एक मार्क का होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी जिसमें आपका 0.25 मार्क्स एक क्वेश्चन गलत होने पे कट सकता है। फिर आपका ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, इसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना होगा। तो आपका इसमें आएगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर जो कि आपका 50 क्वेश्चंस होंगे जिसके, और मैक्सिमम मार्क्स भी 50 होंगे क्योंकि एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और पार्ट बी में आपका रीजनिंग आएगा जिसका 25 क्वेश्चंस होंगे जो कि 25 नंबर का होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी जो आपके मैथमेटिक्स का पोर्शन होगा, 15 क्वेश्चंस होंगे 15 नंबर के। और यहाँ पे आपके पार्ट डी में आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो कि 10 क्वेश्चंस होंगे और 10 नंबर के होंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स होंगे। और आपको इसके लिए टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 90 मिनट्स, यानी 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। तो ये रही आपकी जानकारी एसएससी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड इस वैकेंसी जो कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही आपकी अदर फॉर्म्स की जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।